द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। यूपी के उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर के रेप व मर्डर के मामले में दोषी पाए जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। कुछ महीने पहले तक उन्नाव कांड काफ़ी चर्चा में रहा, तो वहीं हाल ही में हाथरस कांड ने यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उन्नाव में होने वाले उपचुनाव में महिला सुरक्षा और उन्नाव कांड की कितनी चर्चा है, ये हमने लोगों से जानने की कोशिश की। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगा, जिसके बाद वो कन्विक्ट भी हुए। वो मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा, तो हम यहाँ पर इस वक्त हैं। भाई साहब, ये बताइए कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा या महिला सुरक्षा का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सीट जो खाली हुई है वो कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जाने के बाद हुई है। कोई मायने नहीं रखता महिला सुरक्षा का मुद्दा। अच्छा, क्यों, क्या लगता है भाई? समाज में जिम्मेदार लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोगों की मानसिकता इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। सरकार सख्ती तो कर सकती है, लेकिन उन्हें सुधरने वाले नहीं वो लोग। अब धीरे धीरे घट रहा है, शिक्षा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ये केसेस कम हो रहे हैं, कम होंगे। आपका मानना रेप के केसेस कम हो रहे हैं और होंगे? हाँ, बांगरमऊ में क्या है, प्रदेश में मुद्दा थोड़ा ज़्यादा है, वो ये पशु वाले, आवारा पशु वाला, किसानों के लिए ज़्यादा मुद्दा है। हाँ, यही ज़्यादातर किसानों के लिए ज़्यादा खासकर मुद्दा ये है। जो सीट खाली हुई वो तो महिलाओं के सशक्तिकरण, मतलब महिला सुरक्षा वाला मुद्दा उस पर है, मतलब कुलदीप सिंह सेंगर को रेप के आरोप के बाद उनको वो तो सजा उनकी हुई है, उसको तो बात सही है, लेकिन इसके लिए अब यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए कोई खास कर इसकी वजह से सीट नहीं खाली। अब ये है, आगे देखो क्या होता है। जाती हैं बच्चियाँ बाहर तो डर तो लगता ही है। अब बड़ी बड़ी सियानी सियानी बिटियाँ का सभी है, पर ये सब बाहर पढ़ती नकलो माँ, तो डर तो लगता ही है। डर का वो डर ले का करो जाए फिर बताओ। ये डर बढ़ा है पिछले दिनों या कम हुआ है? अरे बढ़ा का ही, देख देख तो और बड़ी रो है डर। नहीं, हम ये कह रहे हैं आपसे, जैसे पहले मुद्दा मतलब उठा दिया जाता था, दबा दिया जाता था, घरों घर अंदर दिया, और अब है तो सीधा उठा दिया जाता है मोबाइलों के कारण या वैसे, मतलब बात ये है। तो आदमी सब टीवी वगैरह न्यूज वगैरह सब जान जाते हैं, बस ये है। बाकी पहले भी था, आज भी है। मतलब अब कुछ लोग मतलब निर्दोषी फंस जाते, कुछ लोग दोषी फंस जाते, ये भी होता है। उसमें ये थोड़ा है कि सब लोग करते हैं वो भी फंसते, नहीं करते वो भी फंसते हैं। कुछ लोगों का तो भाई ऐसा मुद्दा होता है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने किया ही है, से चले जाते हैं, मतलब जरूरी तो है नहीं थोड़ा है कि उन्होंने ये जो फंसे हैं, जो काम किया ही है, करने से जाते हैं, कुछ लोग गैर करने से जाते हैं, बस ये है। फंस जाते हैं मतलब नहीं, बहुत से लोग राजनीतिक वजह से फंस जाते हैं, परिवार में कोई होता तो उसके कारण। इनका कहना है कि रेप के केस उन्नाव में पहले भी हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन तब सोशल मीडिया और मीडिया शायद इस तरीके से नहीं था और बातें घर की घर में दब जाती थी। इन्होंने कहा डर अभी भी बरकरार है, बच्चियों को बाहर भेजने में डर लगता है, लेकिन उसी तरह से अवेयरनेस भी बढ़ रही है, उसी तरीके से लोग जागरूक भी हो रहे हैं, उसी तरह से मीडिया में खबरें भी आ रही हैं। देखो, ये ग्रामीण क्षेत्र है और विधानसभा के हिसाब से महिला मुद्दा है ज़रूर, लेकिन विकास प्लस जो जहाँ का किसान परेशान है उसको लेके जाता है। अच्छा, हाँ, तो सेंगर की फैमिली तो इस बार बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपना ब्राह्मण उम्मीदवार दिया है और समाजवादी पार्टी ने ओबीसी उम्मीदवार दिया, क्योंकि जाति कहीं ना कहीं एक अहम फैक्टर है, और बीएसपी ने भी ओबीसी उम्मीदवार दिया, तो इक्वेशंस किसके आपको यहाँ पर बेहतर लग रहे हैं? सर, ऐसा है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, अगर मूल वोट देखा जाए तो कांग्रेस का नहीं दिखता है। एक जो मुद्दा यहाँ पे उस वक्त आया था महिला सुरक्षा वाला, जिस मुद्दे में उनको जेल हुआ था, तो क्या माहौल, क्या वाकई ऐसा है यहाँ का कि महिलाओं को क्या डर रहता है यहाँ पे? आपके घर परिवार में बेटी बहनें होंगी? हम लोग तो डरते नहीं, वैसे नहीं बोला कभी, नहीं, महिलाओं को डर नहीं है। प्लस मान लेना आप जो कोई जबरदस्ती है तो चाहे जहाँ घुस के कट जा। इन लोगों की बातों को देख कर लगता है कि यहाँ पर महिला सुरक्षा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। वहीं विपक्षी दल के नेता भी इस मुद्दे को ज़्यादा जोर शोर से नहीं उठा रहे हैं। उन्नाव कांड का जिक्र तो वह अपने भाषणों में करने से लगातार बच रहे हैं। हम इस वक्त यहाँ पर बांगरमऊ सीट पर हैं, जहाँ पर उपचुनाव है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर
की सदस्यता जाने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेसी कैंडिडेट आरती वाजपेयी हैं। सभी दल अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, इसी तरह आरती वाजपेयी भी यहाँ पर प्रचार कर रही हैं। आरती जी, क्या अब तक माहौल लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? माहौल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे मैं कटरी जा रही हूँ, चाहे मैं किसी भी गाँव जा रही हूँ, मुझे वहाँ का जो लोगों का उत्साह, लोगों का उल्लास, लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो मुझे पूरा आशान्वित कर रहा है कि मैं विजय की ओर अग्रसित हूँ। हाँ। दूसरा आपने मुद्दा पूछा, मुद्दा मेरे सबसे बड़े मुद्दे तो है हमारी जो किसानों के साथ डबल कहा गया था कि फसल के दाम होंगे और आज उनको खेत की लागत भी नहीं मिल रही है। गांव गांव जाके मैंने देखा कि किसान मेरा बहुत परेशान है और बहुत दुखी है। गाँव गेहूँ की कीमत 14 रुपये, मकई की कीमत 8 रुपये और धान की कीमत 8 रुपये, ऐसे किसानों का। दूसरी मेरी लड़ाई है, जो नौजवान हमारी बच्ची सामने खड़ी है, बच्चियाँ पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि ना उनको नौकरी मिले, और मिले भी तो 5 साल की कह के दी जाए, वो हम लोग लड़ेंगे। और मैं वैसे भी, मेरा प्रथम मुद्दा है कि महिलाओं के सम्मान में महिला मैदान में। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार बीजेपी प्रत्याशी के लिए यहाँ वोट अपील कर रहा है। यहाँ के समीकरण को देखकर तो लगता है कि यहाँ पर 3 कॉर्नर फाइट है, बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी तीनों ही पूरे दम से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा बढ़ती बेरोजगारी है। ये तो उपचुनाव के नतीजे में तय हो जाएगा कि कौन सा दल यहाँ बाजी मारेगा, लेकिन यहाँ की आम जनता और नेताओं के बातों से तो लग रहा है कि महिला सुरक्षा यहाँ कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।